अनंजनशलाकयाचक्षुरंगलितमेतस्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वतम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद स्तुतश श्रीमद भक्ति विनाशी नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ, उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ और समस्त रूपानु गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। तो आगे फिर महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी, कि मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी। जितने भी लोग जो संसार से मुक्त हो चुके हैं है ना, तो उसमें से हम किसको माने कि वास्तविक में कौन मुक्त हुआ है, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के इसका आंसर बड़ा अच्छा देते हैं उत्तर राय रामानंद जी, कृष्ण प्रेम जार से ही मुक्त शिरोमणि। कि वास्तविक में मुक्त कौन है, मुक्त वही है शिरोमणि जिसको कृष्ण प्रेम मिल चुका है। जिसको कृष्ण प्रेम नहीं मिला वो इस संसार से मुक्त होने पर भी वो वास्तविक मुक्त नहीं है। चलो ठीक है, संसार के दुख से मुक्त हो गया लेकिन वास्तविक मुक्त नहीं है। इसको समझो, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ज्ञानी लोगों का मन में ये होता है कि हमें मुक्ति चाहिए। कौन सी मुक्ति, जिसको बोलते हैं सयुजी मुक्ति। सयुजी मुक्ति का अर्थ होता है कि ब्रह्म ज्योति में जाके समा जाना। तो जो व्यक्ति सयुजी मुक्ति चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज्ञान का अवलंबन करते हैं और जाके उस ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, तो वहां पे इस संसार के जन्म और मृत्यु के दुख से तो वो मुक्त हो गए। इसको बोलते हैं कि अत्यंतिकी दुख निवृत्ति, यानी कि उनके जितने भी दुख थे वो खत्म हो गए। उनको जन्म का दुख नहीं है, मृत्यु का दुख नहीं है और उनको किसी प्रकार से बीमारी का दुख नहीं है, संसार का शोक वह सब खत्म हो गया। लेकिन उनको आनंद नहीं मिला, क्यों? क्योंकि अभी उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिला, उनको कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, कृष्ण भगवान की लीलाओं के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। केवल सयुजी मुक्ति में क्या है, वो एक ब्रह्म जैसे लीन हो जाते हैं, मतलब लीन भी नहीं बोलेंगे, जैसे एक व्यक्ति सो जाता है सुषुप्त अवस्था। एक व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सो जाता है तो ना उसको सुख होता है ना दुख होता है, है ना। दुख नहीं होता लेकिन सुख भी नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाके बैठे रहते हैं सुषुप्त अवस्था में, यानी कि वहां पे सर्व सोए रहते हैं। तो उनकी वहां पे अवस्था क्या है कि उनके पास दुख नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है, तो ऐसी अवस्था है। लेकिन बताया कि जितने भी मुक्त हैं उनमें से सबसे शिरोमणि मुक्त कौन है, बताया जिसके पास कृष्ण प्रेम है वही वास्तविक में मुक्त है। क्यों? क्योंकि जिसके पास कृष्ण प्रेम होता है वो एक ऐसी वस्तु है कि जो मुक्त हो चुके हैं, अगर उनको भी अगर पता चल जाए ना कि कृष्ण भगवान कितने सुंदर है, कृष्ण की रूप माधुरी कितनी सुंदर है, कृष्ण की वेणु माधुरी कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर वेणु बजाते हैं, देखने में कितने सुंदर हैं, कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, अगर उनको ये पता चल जाए तो फिर वो क्या करते हैं, जो मुक्त हो चुके हैं वो भी क्या करते हैं, भगवान की तरफ उनका मुड़ जाता है, यानी कि भगवान की तरफ उनका रुझान हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, सुखदेव गोस्वामी थे वो जो थे परितिष्ठो अपि निर्गुणे, यानी कि वो निर्गुण में प्रतिष्ठित थे। यानी कि एक होता है साधक जो कि मुक्ति प्राप्त करना चाहता है और एक जिसको प्राप्त हो चुकी है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे जो कि उसको प्राप्त कर चुके थे, यानी कि उसमें प्रतिष्ठित हो चुके थे निर्गुण में, और वो बोलते थे कि हाँ भगवान निर्गुण है। निर्गुण यानी कि उनका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है और उसमें प्रतिष्ठित थे। तो उनके पिताजी वेद व्यास जी ने देखा, अरे मेरे बेटा तो सुखदेव गोस्वामी और भगवान की तो कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मैंने अभी श्रीमद् भागवतम लिखी है, अब श्रीमद् भागवतम में किसको सुनाऊं, भागवतम में तो कृष्ण कितनी सुंदर लीलाएं हैं, और जो मेरा बेटा है वो प्रतिष्ठित होकर निर्गुण है, वो निर्गुण में प्रतिष्ठित हो चुका है, यानी कि ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने एक जो होते हैं ना, जो हंटर होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हंटर को, हिंदी में क्या बोलेंगे हंटर, जो शिकारी, तो कुछ शिकारी लोग जा रहे थे वहाँ जंगल में, और वहीं जंगल में ये रहते थे, सुखदेव गोस्वामी भजन करते थे। तो वेदव्यास जी ने इनको एक श्लोक बोले, कहते देखो तुम शिकार करने जा रहे हो ना जंगल में, तो वहां पे इस श्लोक को बोलना। इस श्लोक को जब तुम अगर बोलोगे तो बहुत सुंदर सा एक जानवर तुम्हारे उसमें वश में आ जाएगा, और वो कौन है, वो है शुक, यानी कि सुखदेव जो है पक्षी। तो इन्होंने वहां पे जाके एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला जो वेदव्यास जी ने इनको याद करवा दिया था, इन शिकारियों को, बरहा पीरम नटवर वपु कण्णो कण्णिकारम भिद्रवास कनक कबीशम विजंतिम चमालम रंध्रण वेणुर अधर सूर्य पूर्यन गुरुपविंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। ये श्लोक है श्रीमद भागवतम का, जो कि भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करता है कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर है। ये गोपियों के मुख से निकला हुआ श्लोक है। क्या? बरहा पीरम नटवर वपु कण्णो कण्णिकारम, कृष्ण भगवान कैसे हैं, सर पे मोर मुकुट धारण करते हैं, बरहा पीरम नटवर, और वो कैसे हैं, नटवर यानी कि नटवर के समान है, यानी कि नृत्य करते हैं ना, इसे नटवर के समान है। बरहा पीरम नटवर वपु कण्णो कण्णिकारम, कान में कण्णिका का फूल धारण करते हैं, और
उसके उसमें बताया कि अपने अधरों में वेणु रखते हैं और वेणु को बजाते हैं, और अपने सखाओं के साथ उनके सखा लोग उनकी जयगान करते रहते हैं, और फिर वो वन में प्रवेश करते हैं। तो उसमें उन्होंने भगवान के जब रूप का सौंदर्य का वर्णन किया, तो शिवदेव गोस्वामी जो कि भगवान निर्गुण में प्रतिष्ठित थे, जब उन्होंने सुना कि भगवान इतने सुंदर हैं, उनका मन उस तरफ चंचल हो गया। देखो मुक्त थे, मुक्त का मतलब है कि उसको कोई भी वस्तु संसार की स्पर्श नहीं कर सकती, है ना। लेकिन भगवान का इतना सुंदर गुण है, इतना सुंदर कि जो मुक्त लोग हो चुके हैं, वो भी जब भगवान के बारे में सुनते हैं, निर्गुण भगवान के बारे में, तो वो भगवान के प्रति क्या होते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। इनके मन को भी हर लिया कृष्ण प्रेम ने। अब इन्होंने सोचा, अरे भगवान है तो इतने सुंदर, लेकिन केवल सौंदर्य से तो काम नहीं चलेगा ना, ये भी तो देखना है कि उसके गुण कैसे हैं। जैसे एक लड़की देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से उसके गुण बिल्कुल खराब हैं, तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। देखने से सुंदर है लेकिन गुण तो अच्छे नहीं है ना, तो दोनों चीजें देखी जाती है, सौंदर्य भी और गुण भी देखा जाता है। तो ने कहा, ठीक है भैया, जिसके बारे में तुम बता रहे हो कृष्ण के बारे में, वो इतना सुंदर है मैंने मान लिया, लेकिन उसके गुण कैसे हैं ये तो बताओ पहले, ये तो बताओ। फिर ये वापस आए शिकारी और वेदव्यास जी से पूछा कि वो पूछ रहा है कि इसके गुण कैसे हैं। तो वेदव्यास जी ने उनको फिर दूसरा श्लोक याद करवाया, अहो बकियम तन काल कूटम जिगम अशय अपायत अपि साध्वी लेबे दत्रिन धात्री गति उचितम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये उनको दूसरा श्लोक याद कराया। अब जब वहां पे गए तो इन्होंने बोला कि देखो उसके गुण कैसे हैं, अहो बकियम अपि स्तन काल कूटम, देखो कृष्ण के गुण कैसे हैं। अहो बकियम यानी कि जो बकासुर की बहन थी, कौन, पूतना। पूतना अपने स्तन पे क्या लगा के आई थी, विष लगा के आई थी, कालकूट विष। अहो बकियम स्तन काल कूटम, जो अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के लाई, कृष्ण ने उसको क्या किया, लेबे गतिम धात्री उचितम। और कृष्ण ने ये देखा कि भैया इसने मुझे स्तनपान कराया है, और स्तनपान तो माँ कराती है, चाहे विष लगा के लाई लेकिन मेरे को स्तनपान तो कराया। तो कृष्ण भगवान ने उसको माँ के समान गति दे दी, धात्री उचितम। धात्री का मतलब होता है जो हमारे माँ के समान है, जैसे एक बच्चा होता है तो उसकी माँ तो उसको पालन पोषण करती है, लेकिन उसकी काकी चाची ये सब भी तो उसका पालन पोषण करती है, तो जो माँ के समान जिनको माना जाता है, माँ नहीं लेकिन माँ के समान। तो वहां पे कृष्ण भगवान ने उनको कौन सी गति दी, पूतना को, माँ के समान। अब जब सुखदेव गोस्वामी ने ये सुना, वो तो भैया है क्या, हाँ, अब जब उन्होंने ये वाला श्लोक सुना, तो इस श्लोक को तो सुनने के बाद वो भाग भाग भागे अपने पिताजी के पास, वेदव्यास जी के पास, कि चलो भैया उनसे जाके अब मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये कौन है कृष्ण, इनके बारे में तो जानना पड़ेगा कि जिसका इतना सुंदर गुण है, जितना इतना रूप, इतना और सौंदर्य भी है। इस जगत में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपको मारने के लिए आए, और आप उसको कौन सी गति दे दो, माँ के समान गति दे दो। इस जगत में एक व्यक्ति सबसे 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 ज्यादा सम्मान किसको करता है, माँ को करता है। एक बेटा अपने पिता से भी ज्यादा प्रेम देखना माँ से करेगा, पिता से भी प्रेम करेगा लेकिन उससे ज्यादा माँ से करेगा, बच्चा माँ से अपने बहुत असक्त होता है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा उसको कौन सी गति दी, माँ की गति दी, और मारने आई थी तो जो मारने आई है उसको माँ की गति दी। इसलिए ब्रह्मा जी एक प्रार्थना करते हैं भागवतम में, ब्रह्मा जी कहते हैं, चेतो विश्वलात फलम त्वद अपरम कुद्रापि अयन मुह्यति। मैं मुह्यति यानी कि मैं मोहित होता हूँ, क्या मैं मोहित होता हूँ, मेरा चित्त मोहित हो गया है इस चीज को देख के कि पूतना जो आपको मारने के लिए आई थी, स्तन पे विष लगाया और स्तन पे विष लगा के आपको मारने के लिए आई, स्तन पान कराया, उसको आपने माँ की गति दे दी। तो जो आपको प्रेम से पान करा रही है यशोदा मैया, और जो ब्रज की गोपियां जो आपको वास्तविक में स्तन पान कराती है प्रेम से, उनको क्या दोगे अब आप, समझ रहे हो। अब आपने सबसे ऊंची गति क्या है, माँ की गति है। तो आपने पूतना को जब माँ की गति दे दी, तो अब तुम जो ब्रजवासी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ तुम्हें दिया है, वो तो तुम्हें मारने के लिए आई थी, जो मारने के लिए आया उसको जब आप माँ की गति दे रहे हो, तो जो वास्तविक में आपको वात्सल्य रूप से स्नेह करते हैं उसको क्या दोगे। ये सोच के मेरा मेरा जो मन है मुह्यति, मैं मुह्यत में पड़ जाता हूँ कि अब आपके पास बचा गया जो उसको आप दोगे, तो ये तो फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा, है ना। ये जस्टिस कैसे हो पाएगा, जब उसको माँ के समान गति दे दी तो ब्रजवासियों को आप क्या दोगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस चीज को सोच के तो मेरा भी चेतो विश्वलात फलम, मेरा जो चित है वो भी भ्रम में पड़ जाते कि अब आप इनको क्या देने वाले हो, ब्रजवासियों को, जिन्होंने सब कुछ देके आपकी सेवा करी। तो दिखाया कि देखो कृष्ण के कितने सुंदर गुण हैं। अब जब इन्होंने भगवान कृष्ण के गुण को सुने, तो मुक्त होने पर भी क्या हुआ, इन्होंने इनका मन चंचल हो गया और ये भाग गए अपने पिताजी के पास भागवतम सुनने के लिए। तो इसलिए बोला कि मुक्तों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है जिसके पास कृष्ण प्रेम है। इसमें एक देखो, अब लक्ष्मी जी हैं, वो तो परम मुक्त है, वो तो विष्णु जी की अर्धांगिनी है, लेकिन लक्ष्मी जी भी जब सुनती हैं कि कृष्ण भगवान रास कर रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, लक्ष्मी जी क्या करती हैं जब वो सुनते हैं रास कर रहे हैं, अपने पति को छोड़ के भाग जाती है बेल वृंदावन में कि भैया मुझे भी रास में जाना है। तो देखो, लेकिन गोपियां कभी भी नहीं भागेंगी, गोपियां कृष्ण को छोड़ के नारायण के पास नहीं जाएंगी,
लेकिन लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के कहाँ पे आ रही है, कृष्ण के पास आ रही है। तो मुक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो कि कृष्ण प्रेम जिसके पास है। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है ना, जब रास में से कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब जब रास में से कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए तो सारी गोपियां उनको ढूंढ रही है कि कहाँ चले गए कहाँ चले गए। तो वहीं पे गोवर्धन के पास एक स्थान है जिसका नाम है पेठा, उसका नाम है पेठा, हम वहाँ पे जाते हैं। अब पेठा में जब सारी गोपियां पहुंची तो वहां पे देखा जो कृष्ण है वो चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हैं, विष्णु का रूप। तो सब गोपियां वहां पे आई और गोपियों ने देखा, अरे ये तो चतुर्भुज रूप है, ये तो नारायण है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, हम तो कृष्ण को ढूंढ रही है। और नारायण को पता भी दिया नहीं, बस देखा अरे ये तो कृष्ण नहीं है नारायण है, इससे हमारा क्या प्रयोजन, आगे चलेगी कृष्ण ढूंढते हुए, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। नारायण सोच में पड़ गए, अरे देखो ये गोपियां आई और मुझे देखा भी नहीं और आगे चली गई, है ना। लेकिन लक्ष्मी जी होती तो वहीं पर उनके चरणों पर बैठ जाती और उनकी सेवा करने लगती। लेकिन गोपियों ने क्या किया, बिल्कुल भी नारायण उनको आकर्षित नहीं कर पाए, गोपियां आगे भाग गई, देखा भी नहीं उनको ज्यादा, अरे नहीं ये तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, आगे चलो। तो देखो जो नारायण है, जो विष्णु जी है, वो कृष्ण के भक्तों को आकर्षण नहीं कर सकते, वो गोपियों को आकर्षण नहीं कर पाए। अब उन्हीं गोपियों के पीछे राधा जी भी आ रही थी। अब जैसे ही राधा जी पेठा के पास पहुंची, पेठा ग्राम के पास, जहाँ पे स्वयं कृष्ण ही चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हैं, तो वहां पे उन्होंने उनके नाक में सुगंध आई राधा जी के अंग की, कि अरे ये तो राधा जी आ रही है। तो राधा जी की जैसे ही अंग की गंध इनके नाक में आई, कृष्ण भगवान के जो कि विष्णु रूप के धारण करके खड़े हैं, तो उनके दो के उनके जो चार हाथ थे ना, दो हाथ अंदर चले गए, इसलिए उसका नाम है पेठा, यानी कि दो हाथ पेट गए अंदर हो गए, तो इसलिए उस गांव का नाम है पेठा गांव। तो वहां पे दिखाया कि कृष्ण अगर चतुर्भुज रूप धारण करने की चेष्टा भी करें तो राधा जी जो है ना, जैसी राधा जी सामने आती है तो उनके दो हाथ फिर क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। राधा जी के तो भी उन्होंने दर्शन भी नहीं करे, केवल उनकी अंग की सुगंध से ही उनके दोनों हाथ अंदर चले गए। तो समझ गए कि राधा जी आ रही है, इनके सामने तो चार रूप में मैं खड़ा हो ही नहीं सकता, और उनके दोनों हाथ अंदर चले जाते हैं। और फिर जो राधा जी के जो पीछे जो और गोपियां आ रही थी, उन्होंने देखा कि अरे तो सामने कृष्ण खड़े हैं, लेकिन जो उससे पहले आगे गोपियां थी वो तो आगे चली गई कृष्ण को ढूंढने के लिए, उनको कृष्ण अभी नहीं मिले। तो इसमें एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, हमारे गुरु जी बताते थे कि जो व्यक्ति राधा जी के अनुगत्य में जाएगा ना, कृष्ण उसको धोखा नहीं दे सकते, और बिना राधा जी के अनुगत्य के जाओगे तो कृष्ण तुम्हें धोखा देंगे ही देंगे, क्योंकि वो छलिया है। तो इसलिए राधा जी के अनुगत्य में जाओगे तो तुम बच जाओगे, तो तुम्हें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि राधा जी को वो धोखा नहीं दे पाएंगे। तो वहां पे दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर कि कृष्ण प्रेम जिसके पास है वो ही वास्तविक में मुक्त शिरोमणि है। क्योंकि जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो किसी से आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है, चाहे वो विष्णु का भक्त भी क्यों ना हो, वो आकर्षण हो जाता है। अरे चलो ठीक है, लक्ष्मी जी तो आकर्षित हुई है ना, उनका मन करा कि मैं रास में जाऊं, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला। तो क्या लक्ष्मी के जो कांत हैं विष्णु जी, वो भी कभी कृष्ण के रूप को देख के आकर्षित हुए नहीं हुए? बताया कि वो लक्ष्मी जी का तो कहना ही क्या, लक्ष्मी जी के जो पति हैं नारायण, वो भी कृष्ण को देख के आकर्षित हो जाते हैं। चैतन्यचरितामृत में इस बात को बताया गया है, क्या लक्ष्मी कांत अवतारिर, लक्ष्मी आदि नारी गरिण करे आकर्षण, लक्ष्मी कांत आदि अवतारिर हरे मन। कि कृष्ण भगवान जो है, उनका कृष्ण प्रेम कितनी सुंदर वस्तु है कि वो तो जो नारियां हैं लक्ष्मी जी, चलो वो तो स्वाभाविक हो गया ना कि ये तो स्त्री है और कृष्ण पुरुष है, अगर देखा जाए उस रूप में उनको आकर्षण करना तो स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण का ऐसा रूप है जो कि किसको आकर्षण कर लेता है, लक्ष्मीकांत यानी कि नारायण को भी आकर्षण कर लेता है, नारायण को भी। इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है जिसके अंदर एक ब्राह्मण, जिसका जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, जन्म होने के साथ साथ पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो ब्राह्मण फिर देखा मेरे इतने सारे पुत्र, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु होता है कि समय आने से पहले एक व्यक्ति की काल पूरा होने से पहले मृत्यु हो जाना। और जब भी अगर अकाल मृत्यु होती है तो उसका दोष जाता है राजा को, राजा को दोष जाता है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य में कुछ गलत काम हो रहा है, राज्य में स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, राज्यों में बच्चों पे या बूढ़ों पे अगर अत्याचार हो रहा है, राज्य में अगर ब्राह्मण पे अत्याचार हो रहा है, गैया काटी जा रही है, तो इस कारण से उस राज्य में अकाल मृत्यु फैलती है। और राजा के हाथ में है, राजा चाहे तो गैया काटने को रोक सकता है, राजा चाहे तो ब्राह्मणों पे अत्याचार, स्त्रियों पे अत्याचार रोक सकता है ना। तो अगर राज्य में इस प्रकार के अत्याचार बढ़ने लग जाए तो अकाल मृत्यु होती है। तो इस ब्राह्मण ने जाके सारा का सारा द्वारका में जाके कृष्ण भगवान पे दोष लगाया कि आपके राज्य में अकाल मृत्यु हो रही है, बताओ आप राजा, अभी आप राजा अकाल मृत्यु हो रही है तो बाद में क्या होगा। तो वहां पे कृष्ण भगवान पे जब उन्होंने दोष लगाया ब्राह्मण ने कि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाती है जन्म लेने के साथ साथ, तो अर्जुन बोले कि अब अगला जो तुम्हारा बेटा होगा मैं उसकी गारंटी लेता हूँ तुम्हारे बेटे की अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम दोबारा संतान के लिए करो मैं आऊंगा। अब जब इस ब्राह्मण की दोबारा संतान होने वाली थी, अर्जुन ने अपने धनुष बाण से वहां पे एक ऐसा जाल बिछाया उस जहाँ पे उसके बेटे का भी जन्म होगा उसके घर के आसपास,
कि जहां पे यमराज जी भी प्रवेश नहीं कर सकते, बाकी का तो फिर कहना ही क्या, यमराज जी का भी उसमें प्रवेश नहीं है। और वो अब इंतजार कर रहा है कि अब इसका जब बेटे का जन्म होगा तो क्या होगा। बेटे ने जैसे ही जन्म लिया, रोने की आवाज आई, हुए हुए, और सब लोग बड़े खुश हो गए कि हाँ भैया अब तुम्हारा बेटा क्या जन्म हो गया है, या तो यमराज जी भी नहीं आ सकता। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद देखा तो उसका बेटा फिर मर गया। अब जैसे उसका बेटा बेटा फिर मर गया, तो अर्जुन ने शपथ ली थी कि अगर मैं तेरी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं खुद ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो अर्जुन अपने प्राणों को त्यागने के लिए जाएंगे तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, नहीं रुक जाओ, अभी हम मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसका बेटा कहाँ है। तो कृष्ण भगवान अपने रथ पे अर्जुन को लेके चले, और अपने रथ पे लेके चल रहे हैं, और उनके रथ के आगे उनका सुदर्शन चक्र चल रहा है। अपने सुदर्शन चक्र को अपने रथ के आगे छोड़ दिया, किस लिए? उजाला दिखाने के लिए, रोशनी देने के लिए। और इस ब्रह्मांड के बाहर जो 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 हमारा ये जो धरती है इसके बिल्कुल बाहर एक जगह है, क्षीर सागर, जहाँ पे शिरो दक्षाई विष्णु क्षीर सागर पे विश्राम करते हैं। तो जब वहां पे जा रहे थे, रास्ते में पूरा अंधकार था, तो उनका सुदर्शन चक्र आगे चल रहा है, पीछे रथ में कृष्ण और अर्जुन चल रहे हैं। जाके पहुंचे विष्णु के पास, और इस ब्राह्मण के जितने पुत्र थे सारे के सारे कहाँ पे थे? क्षीर सागर में शिरो दक्षाई विष्णु के पास बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं इस ब्राह्मण के सारे पुत्रों को अपने पास उठा के ले आया था क्योंकि मुझे तुम्हारे दर्शन करने की लोभ थी, कि मैं तुम्हारे दर्शन करूँ। है ना, भगवान तो द्वापर युग में एक ही बारी आते हैं, उसके बार बार तो धरती लोग पे आते नहीं। और शिरो दक्षाई जो क्षीर सागर जो विष्णु जी हैं, उनको तो हर कल्प में यहीं पे ही रहना पड़ता है, वो तो जा नहीं सकते। तो उनके मन में ऐसा लोभ आया कि मैं कृष्ण के दर्शन करूँ, अगर कृष्ण भगवान लीला करने आए हैं तो मैं तो वहां जा नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि वो मेरे पास आ जाए और मेरे को उनके दर्शन हो जाए। है ना, तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि देखो कृष्ण भगवान का कितना सुंदर रूप है, हाँ कितना सुंदर रूप है कि उनको भी आकर्षण कर लेता है। अब देखो जो कृष्ण प्रेम जो है एक इतनी ऊंची वस्तु है, यहाँ तक कि इसमें मैं उदाहरण देता हूँ पांचों पांडवों का। पांचों पांडव कृष्ण प्रेम, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हम द्वारकाधीश कृष्ण की बात नहीं कर रहे, मथुरा कृष्ण की बात भी नहीं कर रहे, कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? ब्रज के कृष्ण की बात कर रहे हैं। अब जो पांडव लोग हैं, पांडव लोग वो कौन से कृष्ण के भक्त थे? द्वारकाधीश के थे, ब्रज के तो नहीं थे ना। अब इन्होंने जब इनको पता चला कि ब्रज में कृष्ण ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं, तो उनका मन भी आकर्षित हो गया। अरे कृष्ण तुम्हें ठग दिया, हमें तो केवल बस सुदर्शन चक्र दिखाते रहे, बंसरी की तो सिर्फ गोपियों को सुनाई और सखाओं को सुनाई, हमको तो कभी कोई बंसरी की ध्वनि सुनाई नहीं, हमारे साथ तो कभी गैया चरण करने गई नहीं उनके ब्रजवासियों के साथ गए। तो इनके मन में भी लोभ हो गया कि हमें भी वो बोला कृष्ण प्रेम चाहिए ब्रज का। तो पांचों पांडवों ने फिर क्या किया, पांचों पांडवों ने वृक्ष का रूप धारण किया राधा कुंड के तट पे, और ये पांचों पांडव पांच वृक्ष बन के वहां पे तपस्या करी। किस लिए तपस्या करी? कि हमें ब्रज के कृष्ण का वो वाला कृष्ण प्रेम चाहिए। इतनी ऊंची वस्तु। देखो तो बताया कि मुक्तों में भी शिरोमणि कौन है, मुक्तों में भी वो शिरोमणि है जिसके पास क्या है, जिसके पास कृष्ण प्रेम है। जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है, चाहे वो नारायण का भक्त क्यों ना हो, वो भी कृष्ण उसको आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त नारायण से आकर्षित नहीं होगा, ये सिद्धांत है। उसके बाद दिखाया कि कृष्ण के अंदर भी तारतम्य है, जो द्वारकाधीश और मथुरा के भक्त हैं वो ब्रज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। है ना, यहाँ तक कि जो रुक्मिणी आदि जो ये है, रुक्मिणी सत्यभामा, वो भी कृष्ण के ब्रज के रूप की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। उन्होंने भी एक बारी कृष्ण को बोला कि आप तो हमें अपनी बंसरी सुनाओ जो आप राधा जी को और सब गोपियों को सुनाते थे, लेकिन द्वारकाधीश वाले जो कृष्ण है वो हाथ में बंसरी धारण नहीं कर सकते, वो बंसरी धारण नहीं करेंगे, वो तो केवल ब्रज की वस्तु है और ब्रज में ही रह गई। जब कृष्ण ब्रज से आते हैं तो बंसरी ब्रज में ही रह जाती है, वो कृष्ण के साथ नहीं आती, फिर तो कृष्ण के साथ सुदर्शन चक्र आता है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं भैया, वो तो जो बंसरी की ध्वनि है वो तो केवल गोपियों के लिए है, वो पत्नियों के लिए नहीं है, वो मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। अब कृष्ण क्या वन में जाके और बंसरी बजाएंगे और जो उनकी पत्नियां हैं क्या वो भाग के वन में मिलने आएंगी क्या? अरे वो तो घर पे भी मिल सकती हैं। तो वो वस्तु केवल ब्रज की है, जो बंसरी है वो केवल ब्रज की है, वो मथुरा की भी नहीं है, वो द्वारका की भी नहीं है। तो जो कृष्ण प्रेम है वो ही वास्तविक में शिरोमणि है जिसके पास ये कृष्ण प्रेम धन है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि मुक्तों में मुक्त कौन है? तो बोलते हैं कृष्ण प्रेम जार से ही मुक्त शिरोमणि, जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो ही वास्तविक में मुक्त है। और इसमें एक बड़ा अच्छा सिद्धांत और भी है, चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। हम लोग वैष्णवों के पास आते हैं, ये हमारी प्रयोजन वस्तु है कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, और हम वैष्णवों से आके क्या बोलते हैं, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है ना, उसका जीवन कैसा है? दरिद्र है, दरिद्र दरिद्र के समान है, उसका जीवन दरिद्र है, उससे बड़ा गरीब से भी नीचे, असंतोषी बिल्कुल। तो वो है बिल्कुल दरिद्र जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है। तो बोला कि दास करी वेतन मोरे दे कृष्ण धन। तो हम वैष्णवों क्या बोलते हैं कि वैष्णवों को हम बोलते हैं कि आप हमें अपना दास बना लो। अगर अब आप किसी के दास बन गए तो वो आपको कुछ सैलरी तो देगा ना, कहीं नौकरी करोगे तो सैलरी तो मिलेगी। तो हम वैष्णवों के दास बनने के बाद हम उनसे क्या सैलरी मांगते हैं? है
हम उनसे क्या मांगेंगे सैलरी के रूप में? धन नहीं, हम उनसे मांगेंगे कृष्ण प्रेम, कि आप हमें कृष्ण प्रेम रूपी धन दो। हमें वैष्णव से कोई जागतिक वस्तु नहीं चाहिए, हमें वैष्णव से क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम चाहिए। तो वैष्णव ये कैसे वो हैं जो कि हमें इस कृष्ण प्रेम को दान कर सकते हैं? वैष्णवों के हृदय की संपत्ति है कृष्ण प्रेम, वैष्णवों के हृदय में ही हमेशा कृष्ण प्रेम रहता है। और जो वैष्णव के पास जाता है, उनकी सेवा करता है, उनसे हरि कथा सुनता है, उनसे प्रीति रखता है, तो धीरे धीरे उनके हृदय से जो कृष्ण प्रेम है वो हमारे हृदय में आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चैतन्य महाप्रभु क्या प्रश्न पूछते हैं। गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म, राधा कृष्णेर प्रेम केली जेई गीतेर मर्म। अब चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस जगत में तो बहुत सारे गान है ना, कितने प्रकार के गान हैं? गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म, जितने भी गान हैं उन सबके बीच में से जीव के लिए कौन सा निज धर्म है, मतलब कौन सा गान उसको गाना चाहिए, वास्तविक में उसको कौन सा गान गाना चाहिए? तो रामानंद राय कहते हैं, राधा कृष्ण प्रेम केली जेई गीतेर मर्म। वो कहते हैं जिस गान में राधा कृष्ण की प्रेम की केली का वर्णन है वही गान ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसमें जिस गान में राधा कृष्ण की प्रेम की केली का वर्णन नहीं है वो गान त्यज्य है, वो बिल्कुल भी वो नहीं है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, तद वायसाम तीर्थम उशंती मानसा नाहत्र हंसा निर्मंती उशिक्षया। श्रीमद् भागवतम में बताया कि जिस लिटरेचर के अंदर, जिस लेख के अंदर राधा कृष्ण का नाम नहीं है, जिस लेख के अंदर भगवान की लीलाओं का गान नहीं है, या फिर जिस गान के अंदर भगवान का गान नहीं है, वो जो गान है वो गान किसके लिए है? वो गान कौओं के लिए है। उदाहरण दिया था ना कौए का, वो बताया कि हाँ वो सारी वस्तु कौए के लिए है। लेकिन जिसके अंदर भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, वो है हंसों के लिए। और जहाँ पे हंस लोग होंगे वहाँ पे कौए नहीं होंगे, और जहाँ पे कौए होंगे वहाँ पे हंस नहीं होंगे। तो बताया कि तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, कि वो तो कौए का स्थान है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे भगवान का, जिस गाने में भगवान का नाम नहीं है वो कौए का स्थान है। तो अभी देखना कि जहाँ जहाँ पे भी गाने चल रहे होते हैं ना, लोग डीजे लगा के पागलों की तरह नाच रहे होते हैं 31 तारीख को, तो समझ लिया करो कि वहाँ पे सारे कौए नाच रहे हैं, कौए है ना, अगले जन्म में वो कौए बनने वाले हैं या फिर पूर्व जन्म में कौए थे। और जहाँ पे भगवान के भक्त लोग हैं, भगवान का नाम गान करते हैं, वो हंस के समान है ना, भगवान के चरणों रूपी कमल का स्वाद करते हैं। तो वास्तविक में वही गान एक जीव को गाना चाहिए जिसमें भगवान का नाम है, भगवान के गुण है, भगवान के कीर्तन है, और वही गान हमें वास्तविक में आनंद दे सकता है। इसको मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो अगर कोई आपसे पूछे प्रभु जी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है ना, लोग पूछते हैं ना, संसार के तो लोग यही पूछते हैं, यही बातें करते हैं कि आपका फेवरेट पिक्चर कौन सी है, फेवरेट हीरो कौन सा है, फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, या फेवरेट सॉन्ग कौन सा, यही तो बातें करते हैं। उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, हमारे पास क्या है कि आपको सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता है, कौन सी भगवान की लीला अच्छी लगती है ना, आपको आपने प्रभु जी कुछ नई कथा सुनी तो सुनाओ, कौन सी नया विचार सुना है ना। हम तो भक्त लोग तो यही बातें करते हैं, प्रभु जी कुछ नया सुनाओ, और वो बोलते हैं भैया कुछ कोई नई पिक्चर लेके आओ। तो इस संसार के जो लोग हैं उनसे पूछो कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, वो क्या बोलेंगे है ना, हमारा ये गाना सबसे फेवरेट है, मान लो कुछ ही बोलेंगे, जिंदगी ने जिंदगी भर दुख दिए है ना। तो भैया तुम्हें जब जिंदगी ने जिंदगी भर दुख दिए तो छोड़ दो उसको, छोड़ते क्यों नहीं हो, तब भी पकड़ के बैठे रहेंगे, कितने मूर्ख हैं। गाना भी गा रहे हैं कि जिंदगी ने जिंदगी भर दुख दिए, तब भी उसी में अंदर घुस रहे हैं, अरे जब दुख दिए तो छोड़ दो, सिंपल है। तो वहां पे उनसे पूछो फेवरेट गाना कौन सा, बोलेंगे ये है। अब 6 महीने के बाद पूछो भैया अब तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, अब बदल जाएगा, फिर 6 महीने बाद फिर बदल जाएगा। तो संसार के जो लोग हैं वो एक गाने को कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये गाना मैं पूरा जीवन सुन सकता हूँ, उनके गाने बदलते रहते हैं। लेकिन हमसे पूछो तो हम तो उसी महामंत्र को कर रहे हैं भैया, उसमें कोई चेंजेस तो करते नहीं है। अब कोई बोले भैया हरे कृष्ण महामंत्र में 16 अक्षर तो ज्यादा हो गया, थोड़े 8 कर दो या फिर कुछ चेंजेस कर दो है ना, नहीं, जो है वही था वही है और वही रहेगा। लेकिन इस संसार के जो लोग हैं उनका गान क्या है, बदलता रहता है, आज ये वाला गाना अच्छा लगता है तो वो अच्छा लगता है, कल को वो अच्छा लगता है, उनके चेंजेस होते रहते हैं, और उस गाने को वो रेगुलर नहीं सुन सकते क्योंकि उसके वहां से दुख मिल रहा है ना उनको। अगर चलो तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, आपने बोला मेरा फेवरेट गाना कोई गाना बताओ क्या है आजकल कोई चल रहा हो, मैं तो इतना नहीं, चलो वही जिंदगी ने जिंदगी भर दुख दी, हमारे समय में हमारे स्कूल के दोस्त बहुत सुनते थे ये गाना, चलो मान लो ये गाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जिंदगी ने जिंदगी भर दुख दी है, तो तुम इस गाने को एटलीस्ट सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 बारी तो सुना करो। क्यों नहीं सुनते? एक बार ही सुनते हैं फिर दूसरा चला देते हैं फिर तीसरा चला देते हैं, क्यों? अब हमारे एक भक्त थे, जब मैं भक्ति में आया तो मैंने एक प्रभु जी थे, मैंने उनका फोन लिया, मैंने कहा प्रभु जी आपके फोन में कुछ कीर्तन है? कहते हाँ मेरा फोन तो पूरा कीर्तनों से भरा हुआ है। मैंने उनके फोन में देखा, उनके फोन में लगभग 200 कीर्तन थे, तो मैंने ना एक एक करके प्ले करे,
वो 200 के 200 कीर्तन महामंत्र के थे, अलग अलग टोन के। मैंने कहा प्रभु जी आप तो कह रहे 200 कीर्तन है तो सारे एक ही हैं, लेकिन वो 200 कीर्तन थे लेकिन अलग अलग भक्तों ने गाए हुए थे, अलग अलग टोन में गाए, तो सारे महामंत्र थे। हाँ सुर अलग थे, सारे महामंत्र, सारे के सारे महामंत्र। मैंने कहा प्रभु जी आप पागल नहीं हो जाते क्या, कि क्या है जब मैं स्टार्टिंग में आया था, प्रभु जी 200 कीर्तन है कम से कम कुछ तो नए डालो, आपने तो सारे महामंत्र डाले हुए हैं। कह रहे प्रभु जी मैं क्या करूँ, ये तो मेरा तो मन इसी में ही रमता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मैं तो एक ही कीर्तन को पूरी रात सुनता रहता हूँ, ये 200 कीर्तन तो समझ लो मेरे कब तक चलेंगे, पूरा जीवन चल जाएंगे, एक कीर्तन को चलाता हूँ उसी को दिन रात सुनता रहता हूँ, तो यानी कि उसको वहां से आनंद मिल रहा है ना। अब मान लो अगर आपको ये पिक्चर बहुत अच्छी लग, ये गाना बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी ने जिंदगी भर लूंगी है, तो अपने मोबाइल में जितने भी गाने हैं ना सबको हटा दो, केवल उसी गाने को लगा लो, और उसको भी अलग अलग दोस्तों से रिकॉर्ड करके ना अलग अलग वॉइस में डलवा लो, और उसी को रोज सुनते रहो, तब तो हम मानेंगे कि तुम्हें गाने से आनंद आ रहा है। तो वास्तविक में अगर देखा जाए तो इस संसार का जो भी गान है ना वो हमें कभी भी आनंद नहीं दे सकता, वास्तविक में हमें आनंद दे सकता है भगवान का, जिसमें नाम हो, भगवान का कीर्तन हो, उसको गाने से कितना आनंद आता है। शाम को देखो ना हमारे किसी भी मठ में जाके देखो, या इस्कॉन में जाके देखो, या किसी भी अन्य संस्था में जाके देखो, चाहे अक्षय पात्र में देखो, शाम को एक आरती गाते हैं ना, कौन सी, कि बस जयो जयो गौरा चांदेर आरती को शोभा। अब इस गाने में यही आरती रोज शाम को गाते हैं, देखो कितनी पागलों की तरह सब लोग नाचते हैं, इसी आरती को रोज गान करेंगे और रोज पागलों की तरह नाचेंगे, और एक नया उत्साह होता है कि चलो आरती होने वाली है शाम की, चलो चलो चलो, और फिर उत्साह के साथ मृदंग बजेंगे, खोल बजेगा, करताल बजेगी, झांझर बजेगा, और सब पागलों की तरह नाचेंगे। अब देखो जो लोग डीजे में नाच रहे होते हैं, अगर आप कभी लोग गए हो किसी डिस्क में डीजे में नाच रहे होते हैं, अगर डीजे वाले ने गलती से एक गाने को आधे घंटे के बाद दोबारा से प्ले कर दिया, तो लोग जो डीजे बजा रहे उसका सर फोड़ देते, तो इस गाने को दोबारा कैसे चलाया, है ना, क्यों भैया अभी तो तुम नाच रहे थे अब क्यों नहीं नाच रहे, नहीं नहीं भैया एक नया लेके आओ। तो इसलिए डीजे वाले क्या करते हैं, आजकल रिमिक्स का जमाना आ गया है, हर एक एक मिनट में गाना बदलते रहते हैं, वो भी पूरा नहीं चलाते, आधा गाना खत्म नहीं होगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा शुरू हो जाएगा, यानी कि वो आनंद ढूंढ रहे हैं, अरे इस गाने में नहीं मिला चलो दूसरा लेके आओ, दूसरे में नहीं मिला तीसरा लेके आओ, तीसरे में नहीं मिला चौथा लेके आओ, बार बार गाने बदलते रहते हैं, अरे उनको आनंद ही नहीं मिल रहा, तब भी समझते ही नहीं कि भैया उस गाने में आनंद नहीं है, तब भी इतनी बुद्धि नहीं कि समझ ले। लेकिन हमारे यहाँ पे देखो आज आज भी जाओ, वो जो न्यू वृंदावन स्वामी प्रभुपाद जी ने बनाया है, 24 घंटे महामंत्र होता है, 24 आवर्स क्यों हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे महामंत्र कर रहा है उसको उसमें से आनंद मिल रहा है तभी तो कर रहा है। मंगल आरती में देखो रोज इतने उत्साह के साथ जाते हैं, अरे आज मंगल आरती में जाएंगे, एक ही तो मंगल आरती रोज गाते हैं, बोर थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते। तो वास्तविक में एक व्यक्ति जब तक भगवान की लीला, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण इसको नहीं गाएगा, उसको कभी भी आनंद मिल ही नहीं सकता। अब देखो इसमें, अब इसमें एक एक बड़ी सुंदर बात और है, जो भगवान की जो कीर्तन गाते हैं ना भगवान का, उसमें वो जो आनंद है वो आत्मा को स्पर्श करता है, आत्मा को। कैसे, हमारे एक वो हुए हैं ना हरिदास, हरिदास तानसेन जिनके शिष्य थे, हरिदास स्वामी हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया है, जब वो भगवान का कीर्तन गाते थे वो ऐसी ऐसी राग में गाते थे, ऐसी ऐसी राग में कि देखो उस कीर्तन की शक्ति, देखो उस कीर्तन की शक्ति कैसी है कि अगर वो ऐसी ऐसी राग में गाते थे कि आसमान में बादल छा जाएंगे और अगर वो चाहेंगे तो बारिश आ जाएगी, उनके गान में इतना होता था जब वो भगवान का गाते थे कि आसमान में बादल छा सकते हैं, उनकी उससे बारिश हो सकती है। कई बार वो ऐसा ऐसा गान गाते थे उनके जो शिष्य थे तानसेन, कि जितने जानवर हैं सारे के जानवर जानवर क्या हो जाएंगे, आके इकट्ठे हो जाएंगे, इतना वो भगवान ऐसे उनकी ऐसी आवाज थी, भक्त थे ना वो, ऐसी आवाज थी कि जब वो गाते थे सारे के सारे जानवर आके इकट्ठे हो जाएंगे और उस खड़ों के क्या करेंगे, उस कीर्तन को सुनेंगे, इतना सुंदर गाते थे, और एक जानवर दूसरे जानवर को परेशान नहीं करेगा, वो ऐसा था कि वो जानवर को भी क्या कर ले, मोहित कर ले। चैतन्य महाप्रभु देखो जब झारखंड से जंगल से होते हुए आ रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए क्या हुआ, जितने जानवर थे कहते हैं कि भालू और आपस में ये शेर दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो वहां पे उनका आपस में जो विरोधाभास है वो हट गया और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र में नाच रहे हैं। देखो कितनी शक्ति है, देखो ना वो प्रेम है इस गाने में, कितना प्रेम है कि जानवर को भी वो स्पर्श कर रहे हैं। एक हमारे महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, हमारे श्रीधर महाराज जी, कि जब शिव जी हरि कथा करते हैं शिव जी, तो वहां पे हरि कथा सुनने के लिए कार्तिकेय आते हैं, कार्तिकेय का वाहन क्या है, कार्तिकेय का वाहन है मोर, कार्तिकेय का वाहन मोर है, और शिव जी के गले में क्या है, सांप। अब सांप और मोर आपस में क्या है, लड़ाई है ना, ऑपोजिशन है, और उनकी पत्नी आती है कथा सुनने के लिए, उनकी पत्नी किस पे आती है, शेर पे बैठ के, जो माता जी शेर पे बैठ के आती है ना, और गणेश जी किस पे बैठ के आते हैं, चूहे पे। अब चूहे और शेर का आपस में क्या है, आपस में दोनों का विरोध है,
लेकिन वहां पे आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई होती नहीं। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान की कीर्तन में इतनी शक्ति है कि वो इस जगत को तो कहना ही क्या, हमारा तो कहने का, वो यहाँ तक कि पशुओं तक को स्पर्श कर जाता है। हाँ, और पशुओं तक को, हाँ, ये भगवान के गान गान कीर्तन में। अब देखो, मैं उड़ीसा गया था, तो मैं उड़ीसा में गांव में प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां पे पास में मैंने देखा रैप सॉन्ग चल रहा है। रैप सॉन्ग होता है ना, वो जो अंग्रेज लोग गाते हैं रैप सॉन्ग और पागलों की तरह नाचते हैं, तो वहां पे रैप सॉन्ग चल रहा था। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उड़ीसा के गांव के लोग यहाँ तो हिंदी भी नहीं समझते, और रैप सॉन्ग तो हम जैसे दिल्ली के लोग भी नहीं समझ पाते, तो ये रैप सॉन्ग ये उड़ीसा के लोग क्या समझेंगे, इतना तेज तेज उस पागलों की तरह इंग्लिश बोल बोल के वो पागल कर देते हैं। तो मैंने वहां पे जाके उधर से पूछा गांव वालों से, भैया ये कौन है जिसने रैप सॉन्ग चलाया हुआ है? तो वहां पे जो खेत था जिसमें रैप सॉन्ग चल रहा था उसका मालिक आया। तो मैंने कहा, भैया ये तुमने ये रैप सॉन्ग चलाया हुआ है, कौन सुनता है यहाँ पे, किसको समझ में आती है? उसने कहा, भैया हमें तो पता नहीं किसको समझ में आती है नहीं आती, हमने तो इसको इसलिए चलाया है क्योंकि जब भी हम इसको जला के छोड़ देते हैं ना, तो आसपास जानवर नहीं आता, यानी कि क्योंकि उसके खेत है ना, तो वहाँ पे जानवर लोग आके खेत खराब कर देते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, रैप सॉन्ग चला के छोड़ देंगे। अब रैप सॉन्ग इतना गंदा लगता है जानवर को कि जानवर भी वो खेत में फसल खराब करने नहीं आता, तो सोचो। तो ये जो साउंड है, उस साउंड का एक इफेक्ट होता है, जो भी हम गान गाते हैं ना, उसका हमारे हृदय पे एक इफेक्ट पड़ता है। इसलिए फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी थी इस हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, और जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर रिसर्च करी, तो देखा जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, माइंड साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे मन से उत्पन्न होती है, मानसिक प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं। तो एक व्यक्ति अगर इस महामंत्र का गान करता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का, उसकी बॉडी में देखा उसकी 98% साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, 98%। तो ये महामंत्र की इतनी शक्ति है। यहाँ तक कि मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण अपने मठ का देता हूँ। हमारे मठ में एक प्रभु जी हैं साउथ इंडिया के, उनका नाम है विजय कृष्ण प्रभु। ये जो विजय कृष्ण प्रभु जी हैं, ये जब मठ में आए थे 2004 में, शायद इन्होंने मठ ज्वाइन किया था, तो ये हकला के बोलते थे, बहुत टैम्परिंग करते थे, बहुत हकला के बोलते थे। लेकिन आज वही ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान की सामने खड़े होकर भगवान की बड़ी सुंदर आरती गाते हैं, नॉन स्टॉप गा लेते हैं। तो कैसे जो हमारी मन की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी मन की या माइंड की, भगवान के नाम की में इतनी शक्ति है कि उसको करने से क्या होता है, भगवान के गान कीर्तन से वो भी हमारी ठीक हो जाती है। तो ये भगवान का जो नाम है वास्तविक में बहुत पावरफुल है। हमारे जो क्या नाम था, परीक्षित महाराज जी जब भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम कौन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है। परीक्षित महाराज जी 7 दिन तक भागवत कथा सुन रहे हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, और सुखदेव गोस्वामी भी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भागवत कर रहे हैं। यानी कि उसमें से उनको इतनी शक्ति मिल रही है ना कि उनको खाना नहीं पड़ रहा, उनको पानी पीना नहीं पड़ रहा, तभी तो 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए रह गए, वरना कोई कैसे रह सकता है 7 दिन बिना खाए बिना पिए। और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगी हो, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कह रहे मेरे को तो बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही, आप जो मुझे नाम सुनाई जा रहे हो, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जा रहे हो, उससे ही मेरा क्या, उससे तो मेरा मन क्या, मेरा पेट क्या, मेरा मन क्या, मेरी आत्मा तक भर गई है ना। तो भगवान का जो नाम है, भगवान की जो नाम की जो पोटेंसीज है, अगर कोई उसको गान करता है, तो वास्तविक में ही वो जीव के लिए सबसे मंगल है, और उसमें ही वास्तविक में जीव का कल्याण हो सकता है। हमारे एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे कृष्णदास बाबा जी, शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के, वो 22-22 घंटे भगवान का नाम करते थे। वो बाबा जी बेचता 22 घंटे 21 घंटे केवल भगवान का नाम करते रहेंगे, केवल 2 या 3 घंटे जिसमें नहाना धोना शौच क्रिया जाना और थोड़ा विश्राम करना, हाँ, जिनके हम उनकी समाधि में गए थे, है ना, जिनकी समाधि में गए थे। और देखो हमारे वहीं पे 13 कदम एक स्थान है ब्रज में, जहाँ पे रूप गोस्वामी क्या करते थे, भगवान भजन करते थे, और वो भगवान की ना वहाँ पे क्या करते थे, लीलाओं को लिखते थे, जिसका हम गान करेंगे उन लीलाओं को लिखते थे। तो जब वो भगवान की मिलन की लीलाओं को लिखेंगे, जिसमें राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, तो क्या होंगे, पेड़ में जितने पत्ते सारे हरे भरे हो जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। और जब वो भगवान की वीरे की लीलाओं को लिखेंगे और उसका गान करेंगे, तो सारे के सारे पेड़ झड़ जाएंगे। तो उसकी इतनी इतनी उसकी पोटेंसी पेड़ तक स्पर्श होती थी। और ये जो हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उसका बहुत बहुत लाभ होता है भगवान का नाम कीर्तन का। और आप एक देखो, एक सिंपल सा टेस्ट करो, 2 पौधे लो, दोनों में बीज डालो, और दोनों दोनों पौधे एक कमरे अलग अलग कमरे में रखो, एक कमरे में महामंत्र चलाओ और एक में चला दो कोई रैप सॉन्ग चला दो। जिसमें रैप सॉन्ग चलाओगे ना, वो पौधा तो पैदा ही नहीं होगा, अगर होगा तो पूरा सड़ा मड़ा होगा, और जिसमें भगवान का कीर्तन चल रहा होगा ना, वो बड़ा सुंदर पौधा निकलेगा, बड़ा सुंदर और बड़ा जल्दी जल्दी निकलेगा वो। तो ये प्रैक्टिकल है, ये सारे फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी वालों ने टेस्ट करे हैं। अगर आप फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी उसमें जाके देखोगे उनकी वेबसाइट में, उन्होंने कितने प्रकार के नाम के ऊपर टेस्ट करे हैं। तो ये जो भगवान का जो नाम कीर्तन है, वो ही वास्तविक में जीव के लिए सबसे परम है। इसमें फिर इसमें ना हमारे बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन है कि एक व्यक्ति जब भगवान का नाम गाता है, और उस समय उसके हृदय में कैसी कैसी भावनाएं आती है, उसके ऊपर मैं कल बताऊंगा। तो आज फिर हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसमें आगे के जो प्रश्न हैं और आगे बढ़ेंगे।
और यहीं पे आज फिर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।